भारत के पिछड़े और दूरदराज क्षेत्रों में विकास के आकांक्षी जिला और ब्लॉक को विकसित करने 4 जुलाई से 30 सितंबर तक नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही कोरिया जिले के बैकुंठपुर मानस भवन में भी संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक भैया लाल राजवाड़े, कलेक्टर विनय कुमार लंगे सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संपूर्ण देश में चल रहा है, उसमें से 500 जो ब्लॉकों का चयन हुआ है, उसमें से कोरिया जिले का बैकुंठपुर ब्लॉक भी है। और उसमें सभी विभाग के लोग आज यहाँ उपस्थित रहे और सभी को कलेक्टर साहब, जिला सीओ ने जो देश है कार्यक्रम उसके बारे में जिम्मेदारी दिया है। चाहूँगा कि हम कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी मिल करके प्रधानमंत्री जी का जो चिंतन है आकांक्षी जिला का, आकांक्षी विकास खंड का, उन सबको से संपन्न। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीति आयोग के द्वारा आज से संपूर्ण अभियान लगभग 500 विकास खंडों में संचालित किया जा रहा है। आकांक्षी विकास खंड जो योजना है, इसके अंतर्गत 40 हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, उस पर हमें काम करना है। और संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जो चलेगा बेसिकली 30 सितंबर तक लगभग 6 इंडिकेटर्स को हमें पूरा सैचुरेशन मोड में लेके जाना है, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य के, कृषि के और हमारे जो एनालग के हैं, इसके इंडिकेटर्स हमारे शामिल हैं। ऑलरेडी जिला प्रशासन जो है, इसमें हमारी टीम जो है, सीओ जिला साहब है, डिप्टी सीओ साहब है, हमारे द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। जैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो हैं, प्लस हमारे महिला बाल विकास के कर्मचारी हैं और हमारे जो कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे नियमित हमारी बैठकें भी हो रही है। और ऑलरेडी 2-3 इंडिकेटर्स में सैचुरेशन मोड में पहुँच चुके हैं। और प्रयास हमारा यही है कि आने वाले 3 माह के समय जब तक संपूर्णता अभियान चलेगा, हम बाकी 6 इंडिकेटर्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ बाकी जो हमारे 40 इंडिकेटर हैं, जिसमें हमें काम करना है, डिपार्टमेंट बैकअप जो हमारे चयन हुए, इसमें हमें आगे लेके जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो जिन इंडिकेटर में थोड़ा पीछे हैं, मैनेज करके ओवरऑल करके उसमें अच्छा परफॉर्म।